गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। हा हा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो, और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहां हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो लाला, तू कैसे आए हो यहां पे? ठाकुर जी बोले सुगंध ही आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ते शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरो दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं सुकाचार जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया, क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काड़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठकर के खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ऐसो ऐसो उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के चार तीन दो एक और सबसे ऊपर ठाकुर जी, वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध, अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे तब समझो वो अधोटा दूध, अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलन लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे, और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर जी देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे, बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तू नीचे आज, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा, ठाकुर जी बोले कहा करूं कैसे भागूं? सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो, और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे काहे खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूश मुख दे मारी, आहा ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े, सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तू को कहा बताऊं,
दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, अब और कुछ दिख ही ना रहे मुख, मैं कहां जाऊं, वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊं अब। ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कहा, लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है मुकु, है रे तू चोरी करे। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप लोग जो सुनते हैं ना, मैं नहीं माखन खायो, वो केवल एक शब्द सूरदास जी का लिया हुआ, पूरा पद ऐसे है। सुनो पूरा पद कैसे, ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पे शक कर, तू अपने लाला पे शक कर रही है, बहुत ध्यान से सुनो मैया, मेरी स्थिति पतो है तो है। मैया बोली, क्या स्थिति है तेरी, 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन माही पठायो, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों सांस परे घर आयो। मैया सुबेरे हेते ही मैं नेक सो सो 3.5 वर्ष को लाला तेरो, सुबह हेते ही लकुटी हाथ में लेकर के बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे, और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक 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 पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, मैं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिना, और जब शाम है जाए मैया थक जाऊं हार जाऊं पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है। ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को, ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले तू अपने मन की कर ले आज। मैं बालक बैयन को छोटो छीको कही विध पायो। मैया मैं तीन इतनो सो लाला हूं तेरो इतनो सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतनो ऊपर, तू बता, तेने सोची कभी, इतने ऊंचे छींके पे बंदी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं, मैं तो नेक सो सो मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं बर बस मुख लपटायो। एक गोपी बोली, मैया ये नेक सो सो बालक है या की बात में मत नहीं हो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला ये सबरे चोरी करें, और चोरी करके जब पकड़े जाए ना तो अपनी मुट्ठीन में माखन भर के लिया में, और मोए पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहें यू ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लिपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तू जननी मन की अति भोरी एको कहां पतियायो। मैया तू बहुत भोरी है, और पता काहे को भोरी है, क्योंकि मैं हूं तो भो रहा हूं, भोरे लाला की मैया भोरी, तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है, बता दुनिया उल्टो खेत, ये मेरो बालक है या हमारे भोरो है। ठाकुर जी कह रहे, मैया तेरो भोरो भारो में छोरा या हमारे तू भी भोरी है बड़ी, लेकिन मैया अब बहुत है गई, अब मैं या ते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया,
और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया हांकने वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए और मैया की गोद में धर के बोले, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवाइयो, मैं तो ना जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छा मैं तो तोय भेजू ना हूं, तू जबरदस्ती जावे गैया इनको लेके। मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना। मैया बोली, ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं अब। सूरदास सब बिहस यशोदा, सुतले कंठ बिठायो। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट देकर के नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले, मैया अब दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगाते मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं, मैं नेक्सो सो लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बातन ने माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई और सूरदास सब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। और तब यशोदा मैया कह रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो। लाला मैंने मान ली, तेने नायक खायो माखन, तेने नायक पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले, मैया अब एक काम कर। बोले, कहा जो छड़ी लेके तू मोकू डरावे वही छड़ी को उठा और भगा इन गोपीन को, यहां पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे। और सब गोपीन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही है। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया तू को मुंह पे भरोसा है ना, मैं ना ही करूं चोरी। बोले, हाँ लाला मुंह को तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, नहीं कही करी, ज्यादा ना करी। लाला देखते तू अब मान गयो ना बात को। बोले, मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी। लेकिन मैया वाके बदले मोकू कछु चाहिए। बोले, कहा चाहिए? ठाकुर जी कह रहे, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो चोरी। पर भैया बाके बदले मोकू कहा देगी? बोले, तू जो केगो सो दूंगी। बोले, अच्छा तो पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं चोरी करनो आज से ही छोड़ दूंगा, पर बाके काजे तो को मेरो ब्याह कराना पड़ेगो। आहा, ब्याह की बात सुनकर के तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे मैया नेक सो सो लाला, अरे लाला तो पे मौत होबो आवे ना, तू को खवावो पिवावो भी मैं करूं और ब्याह करेगो। मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो? 3.5 बरस को है गयो मैं, अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया कह रही, अच्छा ना कर रही ब्याह तो बता। ठाकुर जी बोले, ना करेगी मेरो ब्याह? बोले, ना करूंगी। वो ठीक है, तो मेरो एक सखा मधुमंगल वा को ब्याह है गयो, मैं बाकी बहू ले आऊंगो, मेरे सखा को बहू ले आऊंगो मैं, तो तू मत करे मेरो ब्याह। अच्छा मैया बोली, लाला एक बात बता, तू ब्याह करेगो बहू कैसी चाहिए तो? ठाकुर जी बता रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुवा सारी नाक आंख मोटी, और तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया सुन ले, कैसी बहू चाहिए? बोले, बता। बोले, छोटी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी लइयो। मैया बोली, इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं?
बोले इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब तो निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुखी ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहवे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली लाला एक बात बता, तो ये सब बतावे कौन है, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु है ना श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन, ये सबरे बताते रहे। मैया बोली आ जान दे तेरे सखान ने बताऊंगी मैं। और ठीक है लाला मैं ढूंढूंगी। बोले मैया ढूंढूंगी, मैंने तुको वचन दियो है कि मैं चोरी करनो छोड़ दूंगो, लेकिन बाकी बदले मेरो ब्याह करा। मैया बोली तो करा दूंगी। बोले करा दूंगी ना मैया, अभी ब्याहवे जाऊंगो मैं तो। मैया एक बात तो समझाऊं, मैया मैं ब्याहवे जाऊंगो लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगो, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग ना ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगू मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई काय को ना लेके जाएगो? बोले मैया वो गोरो है मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वा को मना गए, बोले ना या कारे ते ब्याह ना करूंगी मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरो तो ब्याह टूट जाएगा मैया, लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं हसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला, यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करे कर नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा ठाकुर जी की मधुर लीला है, उन सब मधुर लीलाओं पर सब ब्रजवासी वारी वारी जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की परपर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया, भगवान उखल से बंध गए, वृक्ष के बीच से निकलने लगे, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े, कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, यशोदा मैया आज नंद बाबा से बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो चलो यहां से। और नंद बाबा यशोदा मैया अपने बालकन को लेके सब गोकुल वासीन के संग अब नए वन में चले गए, और उस वन का नाम है श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। आहा